यास्मिन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी, आज मैं बना रही हूँ हरीसा विद कबाब। अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इनको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए बनाते हैं हरीसा और बताते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की सबसे पहले हो। हमने क्या करना है कि गेहूं ले लिए और उनको मैंने रात भर भिगो के रखा, फिर सुबह उनको मैंने बॉईल कर लिया। ये साथ आपको एक क्लिप नज़र आ रहा होगा इनको ब्लेंड करते हुए और इनका बॉईल करके इनका जो लुक आया वो। तो ये सबसे पहले हमने ले लेने हैं गेहूं और 150 ग्राम मैंने लिए। इसके साथ ही मैंने बोनलेस चिकन ले लिया आधा किलो और छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए इसके, और इसके साथ आधा किलो कीमा ले लिया चिकन का। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, लैम का भी कीमा ले सकते हैं। इसके साथ मैंने एक कप चावल बॉईल कर लिए थे और बॉईल करने के बाद उनको मैंने इस तरह पीस लिया ब्लेंडर में डाल के और इस तरह स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बना लिया। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन चाहिए और इसके साथ 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लें, चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून गरम मसाला और ये नटमेग चाहिए होगा एक हमें इस्तेमाल के लिए। और इसके साथ काली मिर्च 2 टेबल स्पून है और इसके साथ 3 लार्ज साइज़ के प्याज आपको दिखाई दे रहे होंगे और 2 सब्ज़ मिर्ची हैं। इसके साथ हमें 1 कप भर के ऑयल का चाहिए होगा। तो चलिए आइए बनाते हैं हरीसा जी। अभी आधा कप ऑयल इसके अंदर मैंने ऐड किया और आधा कप हम बाद में जब इसको तड़का लगाएंगे एंड पे तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। 3 प्याज में थे, 2 प्याज मैंने काट के इस तरह इसमें डाल दिए और 1 प्याज रख दिया तड़का लगाने के लिए। इन प्याज़ों को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है हाई हीट पे रख के। प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए आपको जैसे कि नज़र आ रहे होंगे। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है अदरक लहसुन और वो हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम चिकन कबाब की जो बनाने हैं उसमें रख लेंगे। और ऐड करने के बाद मिक्स करें और फिर इसके बाद आप चिकन बोनलेस इसके अंदर ऐड करें और उसको तब तक पकाएं जब तक वो अपना कलर ना चेंज कर ले। यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि हरीसा बहुत ही एक माइल्ड डिश है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी डिश नहीं होती, तो इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं और जो इसकी बेस है हरीसा की वो है गेहूं और चावल। तो बेस हमने इसकी नॉर्मल ही रखी है, ऑथेंटिक ही रखी है, बाकी इसको जो थोड़ा बहुत हम टेस्ट दे रहे हैं वो देसी टच है, ये ऑथेंटिक अरबिक हरीसा नहीं है। तो इस तरह करके हमने चिकन को भून लिया, पका लिया और अब हम इसको पकाएंगे कलर चेंज करने तक। चिकन बोनलेस ने कलर चेंज कर लिया। अब हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके तो ढक्कन दे के इसको रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ आपको मैं बता रही थी कि ये हरीसा जो ऑथेंटिक अरबिक रेसिपी नहीं, अगर आपको ऑथेंटिक अरबिक हरीसा की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। जी, ये रहा चिकन का कीमा। अभी कबाबों के लिए हमने इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर नमक होता है। तो ये डाल के आप सारा इसमें मिक्स कर लें। ये रेसिपी रिक्वेस्टेड है, मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं, या मेल हैं या फीमेल मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, क्योंकि उनका नाम AA है और उनका ये कमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और ये नटमेग भी मैं इसके अंदर क्रश करके ऐड कर रही हूँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये 1/2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, तो खाना भी कड़वा कर देता है ये। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर ले आप कीमे को। मिक्स करने के बाद आपने इनके कबाब बनाने हैं, जो शेप आपको अच्छी लगे आप उस शेप के कबाब बना सकते हैं। तो AA ये रही रेसिपी आपने जो रिक्वेस्ट की थी, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा जी। अभी देख लें आप कीमा तैयार है। अब आपने थोड़ा सा पानी लेना है अपने हाथों के ऊपर लगाना है और बहुत पतले पतले से कबाब आपने बना लेने हैं, जिस तरह ये मैं बना रही हूँ स्क्यूवर्स के ऊपर लगा के। अगर आप स्क्यूवर्स के ऊपर इसको हैंडल नहीं कर सकते तो आप वैसे ही इसको हाथों के ऊपर लगा के तो इसको फ्राई कर लें ऑयल के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस चिकन के अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च मसाला जो आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह बनाएं जिस तरह मैं बना रही हूँ जी। अभी हमने क्या करना है कि कबाब जो हमने बनाए उनको हमने फ्राई कर लेना है। तवे के ऊपर मैं इसको बना रही हूँ
और स्लो हीट पर रख के पकाऊंगी ताकि अच्छे से गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आए। इस तरह करके कबाब आप बनाएं और तवे के ऊपर रखें। एक साइड से कबाब हल्के से कलर चेंज करना शुरू कर गए, अब इनकी साइड चेंज कर लें और इनको सारी साइडों से आपने गोल्डन करना है। कबाब अब गोल्डन होना शुरू हो गए, अब मैं इनको अच्छे से हर तरफ से कलर दे के तो फिर इनको निकाल लूँगी और इस तरह करके सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। जी अभी चिकन भी गल गया और इसके अंदर जो पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो गया। अब आपने क्या करना है कि चिकन को मैश कर लेना है, चम्मच की मदद से मैश कर लें या फिर आप इसको निकाल के तो हाथों की मदद से इसको श्रेड कर लें अच्छी तरह। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑथेंटिक अरबिक हरीसा होता है वो तो बिल्कुल ही नमक और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है और ऑलिव ऑयल के साथ सर्व किया जाता है, तो उस वो भी आपको बताऊँगी, शेयर जी करूँगी। अभी चिकन को मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया और अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और साथ में नमक थोड़ा सा आपने ऐड करना है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और 2 जो सब्ज़ मिर्ची आपको बताई थी वो भी ऐड कर दें इसके अंदर। और ऐड करने के बाद आपने इसको पकाना है थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि ये मसाले जले ना, 2 मिनट के लिए इसको पका लें। जी अभी मैं इसके अंदर गेहूं और चावल ऐड कर दिए थे, ऐड करते टाइम मुझे पता नहीं चला और कैमरा बंद हो गया तो इसलिए वो क्लिप नहीं बन सका, लेकिन अभी ऐड कर किया है मैंने और अब इसको मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है तकरीबन 1 या 2 ग्लास ऐड करें और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि ये पानी में अच्छे से घुल जाए, क्योंकि ये काफ़ी देर से मैंने इनको ब्लेंड करके रखा हुआ था तो ये थोड़े से ये जम गए हैं, तो इस तरह करके आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। और हीट आपने इसकी हाई रखनी है इस टाइम पे ताकि जल्दी जल्दी से ये मिक्स हो और लम्स ना इसके बने। जी अभी हमने देखे मिक्स कर लिया इसको अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसका लुक ऐसा आया। अब हमने क्या करना है कि कोई सी भी घोटनी आप ले लें और उसके साथ आपने इसको अच्छे से घोट लेना है। और मुझे जब मैंने टेस्ट किया तो थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने नमक इसके अंदर अभी और ऐड किया, और जो कलर इसके अंदर आया है वो थोड़ा सा चिकन पाउडर के डालने से आया, क्योंकि चिकन पाउडर का कलर थोड़ा सा इस तरह का ऑरेंजी और येलो कलर का है। तो अब घोटनी के साथ आपने इसको घोटना है तकरीबन 5 मिनट के लिए नॉन स्टॉप, तभी इसके अंदर रेशा पैदा होगा और वो एक स्टिकीपन पैदा होगा जो एक हरीसा के अंदर होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह करके चिकन भी अच्छे से इसके अंदर घुल जाएगा। जी अभी देखिए मैं इसको नॉन स्टॉप ही घोट रही हूँ और इसके रेशे जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं चिकन के, और इसके अंदर स्टिकीनेस आना शुरू हो गया है, ये देखें इस तरह। और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है ये चावलों की और गेहूं की वजह से। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून आपने नट मेग ऐड करना है, जायफल, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है इसकी और ये पूरे हरीसा का टेस्ट ही चेंज कर देता है, इतना मज़े का बन जाता है ये ऐड करने के बाद। तो इस तरह देखिए इसको आप फिर से मिक्स कर लेंगे और हीट आपने इसकी इस टाइम पे मीडियम रखनी है, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा गेहूं और चावलों की वजह से, ये जल्दी चिपक जाता है। जी अभी ये हरीसा ऑलमोस्ट तैयार है, कबाब के छोटे छोटे पीस ऐड किए हैं इसमें काट के। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगी ये डिश बहुत बरकत वाली होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं लेकिन ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो देखें इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी हम इसको तड़का लगाएंगे। जी अभी देखें हम लोगों ने ऑयल ऐड किया, आधा कप जो रह गया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब हम इसके अंदर प्याज एक जो रह गई थी वो ऐड करेंगे और इसको हमने गोल्ड सा कलर दे देना है प्याज़ों को। हाई हीट पर रख के इसको पकाएं और साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि हर तरफ से अच्छे से गोल्ड कलर के प्याज हों। प्याज अच्छे से गोल्ड कलर होना शुरू हो गया, तो अब हम इसका गैस ऑफ करेंगे और ये तड़का हम हरीसा के ऊपर डालेंगे। तो चलिए आइए आपको दिखाती हूँ हरीसा। जी ये रहा हरीसा विद कबाब, मैंने इसको एक ट्रे में गार्निश कर लिया। और इसको सर्व कैसे किया जाता है कि चाट मसाला और धनिया सब्ज़ थोड़ा ऐड कर लें और ये प्याज़ों का तड़का बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर। तो अब ये देखिए इस तरह करके इसको तड़का लगा लिया और अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद आप इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ये किसी रोटी नान वगैरह के साथ लोग नहीं खाते, ऐसे ही इसको चम्मच के साथ खाया जाता है, बहुत मज़ा देता है। जी ये रही आज की डिश हरीसा विद कबाब,
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ट्राई ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।